यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज हम गुड़ के तोश शक्कर पारे बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये 2 कप मैंने मैदा ली है। 2 कप मैंने मैदा लिया है, आधा कप मैंने घी लिया है और मीठा सोडा लिया है। 5 से 6 मैंने गुड़ की डली ली है और इलायची पाउडर लिया है। और फ्रूट कलर लेंगे हम, एक चुटकी भर फ्रूट कलर यूज करेंगे। गैस ऑन करेंगे, पहले हम चाशनी बनाएंगे। पानी डाल देंगे, 1.5 कप पानी यूज कर रही हूँ मैं। अब गुड़ की डली को हम फोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। देखिए गुड़ की डली मैंने फोड़ ली है, पानी के अंदर डाल दूंगी। इसी तरह सारी गुड़ की डली फोड़ के हम पानी के अंदर डाल देंगे। देखिए मैंने सारी गुड़ की डली फोड़ के पानी के अंदर डाल दी है। अब हम इसे मिला देंगे और घुलने तक पकने देंगे। इसको अच्छे से घोल लेंगे जिससे कि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है हम मैदा लगा लेते हैं। 2 चुटकी हम इसके अंदर मीठा सोडा डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। अगर आप ज्यादा सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आधी छोटी चम्मच आप मीठा सोडा डाल सकते हैं। घी डाल दूंगी, मैंने 1/2 कप के करीब घी लिया है। मिक्स कर देंगे घी को मैदे के अंदर। आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं आप। देखिए मिक्स कर देंगे घी के अंदर मैदे को अच्छे से। देखिए मुट्ठी बन जाए तो समझ लीजिए कि हमारा मौन एकदम सही है मैदे के अंदर। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदे को इकट्ठा करेंगे, ज्यादा गूथेंगे नहीं। जैसे हम बालूशाही का डो लगाते हैं, इसी तरह इसका आज शक्करपारों का डो लगाएंगे हम। देखिए इस तरह से मैदे को इकट्ठा करना है हमें। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। देखिए मैदे को इकट्ठा कर लिया है मैंने। अब हम इसे 5-10 मिनट तक इसी तरह सेट होने के लिए रख देंगे। इलायची पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर ली है मैंने। गुड़ अभी हमारा थोड़ा कम घुला है, घुला नहीं है। देखिए चाशनी हमें 2 तार की बनानी है। फ्रूट कलर डाल दूंगी 1 चुटकी, 1 पिंच से भी कम ही डालें आप फ्रूट कलर। हल्का सा कलर देना है हमें शक्कर पारों को। धीमी आंच पे पकने देंगे। देखिए मैदा भी हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसे चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हाथों से ही सेट करेंगे हम। इस तरह से बीच में तोड़ के हम इसकी लेयर्स बनाएंगे शक्करपारे की। हम 4 से 5 बार इसी तरह कर लेंगे। इससे शक्करपारे में काफी अच्छी लेयर्स आती है। हल्के हल्के हाथ से कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर्स हैं इसके अंदर। देखिए
देखे, मैंने 6 बार कर लिया है, ज़्यादा बार ना करें नहीं तो इसकी लेयर्स जो है ख़राब हो जाएगी। और अब हम इसे चौकुर चौकुर बेल लेंगे। देखिए इस तरह से। ज़्यादा पतला और ज़्यादा मोटा हमें मीडियम साइज़ का रखना है शक्करपारा, ना तो ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। गैस में ऑयल मैंने चढ़ा दिया है गरम करना। अब हम इसे काट लेंगे, चौकुर चौकुर शेप देंगे पहले इस तरह से। जिससे कि हमारे शक्करपारे अच्छे लगे, इसलिए हमें इस तरह से शेप देंगे। अब हम 1 इंच के व्यास में इसे काट लेंगे। देखिए इस तरह से 1 इंच के व्यास में काट लेना है हमें। शक्करपारे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटे या बड़े, जैसे आपको पसंद हो। देखिए इस तरह से मैंने थोड़े लंबे शक्करपारे रखे हैं, ना तो ज़्यादा लंबे ना ही ज़्यादा छोटे। देखिए इस तरह से काट लेंगे। आप देख सकते हैं काफी, ना तो ज्यादा मोटे हैं ना ही ज्यादा पतले। अब हम इसे निकाल देंगे। देखिए अभी हमारी चाशनी जो है वो एक तार की बनी है। आप देख सकते हैं ठंडे होने के बाद हमें इसको 2 तार की बनाना है। हमें 2 तार की चाशनी बनानी है, अभी 2 तार की चाशनी बनाएंगे हम। अब वापिस से हम सारे शक्करपारे बेल के रख लेंगे। देखिए इस तरह से सारे शक्करपारे बेल लेने हैं हमें। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से चौकुर चौकुर काट लेना है हमें, चारों ओर से चौकुर चौकुर काट लेना है, एकदम चौकुर काटना है। ना तो हमें ज्यादा छोटे काटने हैं शक्करपारे और ना ही ज्यादा बड़े, मीडियम साइज के 1 इंच के व्यास में हम शक्करपारों को काटेंगे। देखिए इस तरह से हमें शक्करपारों को इस तरह से काट लेना है, ना तो ज्यादा छोटे और ना ही ज्यादा बड़े। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें शक्करपारे, देखिए इस तरह के ही शक्करपारे हमें काटने हैं, ना तो ज्यादा छोटे और ना ही ज्यादा बड़े और ना ही ज्यादा पतले और ना ही ज्यादा मोटे। ऑयल हमारा अभी मीडियम गरम करना है हमें, अभी ऑयल हमारा गरम नहीं हुआ है, थोड़ा सा और गरम होने देंगे। देखिए फ्रेंड शक्करपारे मैंने सभी बना लिए हैं, इस पे काफी अच्छी लेयर्स है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, हमें मीडियम गरम ऑयल चाहिए, हाई गरम ऑयल नहीं चाहिए। मीडियम गरम ऑयल में ही इनको फ्राई करेंगे, जिससे कि ये अंदर से अच्छे से फ्राई होंगे। अगर आप हाई फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और जल जाएंगे और हमारे शक्करपारे अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। हमें इनको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए जो शक्करपारे तल जाएंगे वो अपने आप ऊपर आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सभी ऊपर आ चुके हैं, आप देख रहे हैं जो तल चुके हैं वो ऊपर आ चुके हैं, हल्के हो गए हैं ये। अब हम इनको पलट देंगे, हल्के हल्के हाथ से हम इनको फ्राई करेंगे। हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनका कलर हल्का ब्राउन हो चुका है, हमें ऐसा ही कलर चाहिए शक्करपारों का। आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ये। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर पे भी निकाल लीजिए आप चाहिए। सभी शक्करपारे हम इसी तरह निकाल लेंगे, इसी तरह और फ्राई कर लेंगे। ये शक्करपारे खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए मैंने एक
बाउल में रख लिया है इसे एक बर्तन में। अब इसके ऊपर हम छान के चाशनी डालेंगे, जिससे कि कोई गंदगी, गुड़ में कोई कचरा होगा तो वो छन जाएगा। देखिए इस तरह से इनके ऊपर चाशनी डाल देंगे। हमने दो तार की चाशनी बनाई थी। अब चाशनी को शक्कर पारों के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। चम्मच की सहायता से इनको उलट पलट कर देंगे, जिससे कि शक्कर पारों के अंदर चाशनी अच्छे से चली जाए। ठंडी होके ये चाशनी गुड़ जो है हमारे शक्कर पारों के ऊपर लिपट जाएगा अच्छे से। गर्म है इसलिए नहीं लिपट रहा, ये ठंडा होने के बाद ये शक्कर पारों के ऊपर लिपट जाएगा गुड़। इसी तरह हमें सारे फ्राई कर लेने हैं शक्कर पारे। ये भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। इनके ऊपर भी चाशनी डाल देंगे। काफी गाढ़ी चाशनी है हमारी, मैंने दो तार की चाशनी बनाई है, क्योंकि हमें चाशनी जो है वो गुड़ के ऊपर लपेटनी है इसलिए। देखिए देखिए फ्रेंड्स, सारी चाशनी के अंदर मैंने शक्कर पारे डाल दिए हैं। अब हम इसे 1-1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, जिससे कि हमारी चाशनी शक्कर पारों पे चिपक जाएगी अच्छे से। आप देख सकते हैं 1-1.5 घंटा हो चुका है, हमारी चाशनी गुड़ के शक्कर पारों के ऊपर अच्छे से लिपट चुकी है। अब हम इसे बाउल में सर्व करेंगे। देखिए काफी अच्छे शक्कर पारे बने हैं, आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए। गुड़ के शक्कर पारे खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं, आप जरूर बनाएं एक बार फ्रेंड्स। अगर देखिए हमारे गुड़ के शक्कर पारे काफी अच्छे बने हैं, आप देख सकते हैं काफी सुंदर दिख रहे हैं, ये काफी टेस्टी भी बने हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर